हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। कृपया इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए हम डायरेक्ट चले आते हैं सवाल पर। देखो, ये सवाल है 10 नंबर का सवाल, 3.2 एक्सरसाइज का। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें लिखा है कि x बाई 3 प्लस y बटे 4 इजकल टू 0 का लेखा चित्र अंकित करें और वह लेखा चित्र दोनों अक्षों के साथ जो त्रिभुज बनाता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं उसी तरह से इसको सॉल्व करके ग्राफ बनाते हैं, ठीक है? तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। एक्स बटे 3 और ये दोनों का एलसीएम पहले ले लेंगे, 4 और 3 का 12 एलसीएम हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 4x प्लस 3y इजकल टू 2। ये समीकरण में आ गया 4x प्लस 3y इजकल टू 24। फिर आएगा समीकरण में 4x इजकल टू 24 माइनस 3y। फिर x बराबर निकाल लोगे इसमें, 24 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 4। अब क्या करना है? इसमें मान निकाल लेना है, ठीक है? अब मान निकालेंगे तो कम से कम हम 3 मान इसमें निकालना चाहते हैं। तो 3 मान में देखो क्या क्या रखते हैं। तो इसमें थोड़ा सोच के रखना पड़ेगा, इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि ये कटेगा नहीं। 3 मान हम निकालेंगे, जैसे 4 बक्सा बनाए लेकिन 3 ही मान निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इसमें 4 रख देते हैं तो यहाँ लिखेंगे कि वाई बराबर 4 रखने पर। तो इसमें देखते हैं मान कितना आता है, y का मान अगर 4 रखते हैं तो x इजकल टू 24 माइनस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4। इसका मान आ जाएगा 24 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4, यानी 12 बटे 4 काट दो बराबर 3। तो 4 रखने के बाद यहाँ पे मान आपका 3 आ जा रहा। फिर उसी तरह से y का मान अगर माइनस 4 रख देते हैं तब देखते हैं कितना मान आता है रखने पर। x इजकल टू 24 माइनस 3 इंटू माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 बराबर 24 माइनस माइनस प्लस 12 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा कितना, तो 36 डिवाइडेड बाई 4 कट के आ गया है 9। तो निश्चित रूप से माइनस 4 रखने पर यहाँ पे 9 आ रहा है। फिर y का मान एक और रखने जा रहे हैं, माइनस 8 रख देते हैं रखने पर। तो देखते हैं इसमें क्या आता है। x इजकल टू 24 माइनस 3 इंटू माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 इजकल टू 24 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 4 48 डिवाइडेड बाय 4 तो 4 12। इसका मान कितना आ गया, 12 आ गया। 8 रखने पर इसका मान कितना आ गया, 12 काट लेंगे, 4 4 12 आ गया। तो ये हमारा मान आ गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर रखे हैं माइनस 8, तो यहाँ पर मान आया कितना, 12 आ गया। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, तो जल्दी से हम ग्राफ में देख लेते हैं कि इसका ग्राफ में क्या आता है। तो ध्यान से देखेंगे, एक ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ में हम मान रखते जाते हैं, मान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें x, x डैश, y, y डैश। अब देखते जाइए 3 और 4, तो x में 3 जाएंगे, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आ गया। इसको हम लिख देते हैं 3, 4, ठीक है? दूसरा क्या है, 9 और माइनस 4, तो 9 में चले जाए, 9 में देखो यहाँ पे आ गए और माइनस 4 नीचे जाएंगे, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आ गए। अब कितना आएगा, 9 और माइनस 4, हमेशा 9 को पहले लिखना है, 4 को बाद में लिखना है। तो ये पॉइंट आ गया है ना, 9 और 4। उसके बाद आया है 12 और माइनस 8, 12 में आगे हम बढ़ जाएंगे तो ये हुआ 10, 12 यहाँ पे आ गए और 8, 8 माइनस 8 आना है तो माइनस 8 हम लोग चले आते हैं 6 7 8 यहाँ पे चले आते हैं, ठीक है? अब हम इसको मिलाएंगे, हाँ इसको लिख देते हैं 12 माइनस 8। अब इसको हम मिला रहे हैं, मिलाने के बाद देखो क्या मिलता है, एक लाइन में मिलता है कि नहीं मिलता है, बिल्कुल एक लाइन में मिल गया है, इसलिए निश्चित रूप से मैं जो सॉल्व किए हैं वो सही आ गया है।
अब क्या करना है दोस्तों, एक काम करना है, ध्यान देना है, एक वर्ग बराबर एक इकाई, ये तो लिखना ही है। इसके साथ ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बन गया है, इसलिए यहाँ पे ए और बी अगर हम लोग डाल लें तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो निश्चित रूप से क्षेत्रफल बराबर होगा एक बटे दो गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो वन बटे टू, आधार कितना होगा काउंट कर लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ये हो गया सिक्स, इंटू ऊंचाई कितना हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन एट, एट आ गया, एट लगा देंगे, इसको काट देंगे, काटने से आ गया तुम्हारा कितना थ्री आ गया, तो 24 वर्ग इकाई, यहां तक तुमको कर देना होगा इसमें, तभी पता चलेगा कि ये जो ग्राफ से दोनों अक्ष के बीच में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ वो 24 हो गया, यही तो हो गया आंसर। थैंक यू।